जबरदस्त कचौरी है ये, राज कचौरी यानी कचौरियों का राजा है ये, दिल से बनाया ये पूरा चलता फिरता रेस्टोरेंट आपके घर भी पहुंच सकता है। आइडिया तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे दोस्तों। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। रामपुर के हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने के लिए हमने एक मुहिम चला रखी है। उसी मुहिम के तहत एक और खास वीडियो आपके सामने लाया हूं। और इस वीडियो में हम जिस स्वाद और जायके की बात करेंगे वो एक अंकल और आंटी की फूड वैन है। तो आइए मैं आपको दिखा दूं, जिस रामपुर के फास्ट फूड की हम बात कर रहे हैं वो है विक्की फूड वैन। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये विक्की फूड वैन है, यानी इस वैन के ऊपर एक पूरे तरीके से एक रेस्टोरेंट जो है अंकल और आंटी ने यहाँ पर चला रखा है। और सबसे ज़्यादा फेमस जो इनकी डिश है वो राज कचौरी है। राज कचौरी एक स्पेशल कचौरी ये बनाते हैं जिसके अंदर फ्रूट्स होते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, साथ में क्या क्या डिशेज ये बनाते हैं वो दिखाएंगे। और सबसे पहले मैं अंकल से आपकी मुलाकात करा दूँ। अंकल, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। अंकल, ये बड़ी आप और आंटी दोनों ये फूड वैन चलाते हैं, इसकी क्या खासियत है, क्या क्या खास डिशेज है आपके पास, क्या क्या स्वाद है आपके पास, बताइए कैसे आइडिया आया, इसके बारे में बताइए। आइडिया तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे। अच्छा, हमारी बेटी है वहाँ पर। हाँ। वहाँ ऐसी गाड़ियाँ हैं, चलता फिरते होटल, चलती फिरती दुकानें हैं, सब ऐसे। तो हमने सोचा हम भी ऐसा ही बनाएंगे जाके इंडिया। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर ये बना लिया अपनी गाड़ी लेके। अच्छा, खुद गाड़ी खरीदी पहले? हाँ, गाड़ी खुद खरीद के, पुरानी गाड़ी। हाँ। और अपनी ये अपने हिसाब से बना लिया, पूरा रसोई बना लिया। अच्छा, तो इसमें कौन कौन आपके साथ लगा है? हाँ जी, कौन कौन आपके साथ लगता है इसमें? हमारे बेटा, मेरी घर। अच्छा, मेरी है। अच्छा, और बेटा हमारा। अच्छा, आज वो है नहीं जहाँ। तो यहाँ क्या क्या खास चीज़ होती है? खास ही हमारे यहाँ, यहाँ तो राज कचौरी है, दही पर लाए, चाट पापड़ी है, छोले कुलचे हैं, पाव भाजी है, ये स्प्रिंग रोल होते हैं, हॉट डॉग होते हैं, मोमोज होते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है, ये जो इनका वेन्यू है और उस पर जो रेट चार्ट लिखा हुआ है, भाई साहब बहुत ज़्यादा कम रेट रखे हैं इन्होंने। बड़े बड़े रेस्टोरेंट आप जाते हैं, इनके रेट आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कम होंगे। स्वाद कैसा है ये हम अभी जायका लेकर बताएंगे। और सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ है इनकी, राज कचौरी जो सबसे ज़्यादा चर्चित है रामपुर के अंदर, सबसे ज़्यादा लोग उसे खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। और एक खास बात ये मैं आपको बता दूँ, ये पूरा चलता फिरता रेस्टोरेंट आपके घर भी पहुँच सकता है। अगर आपके घर कोई फेस्टिवल, कोई आपके घर कोई कोई त्यौहार है, या आपके घर पर कोई प्रोग्राम है, तो ये पूरा रेस्टोरेंट आपके घर पहुंचेगा और आपके घर पर ये लोग बनाकर देंगे। अपने सारी जो डिशेज हैं ये सब बना के देंगे आपके घर पर जाकर। रेट चार्ट मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि कम से कम 100 लोग हो या थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर हो तो ये आपके घर पर भी दे देंगे। अंकल, ये पूरी वैन घर पर भी चली जाएगी? हाँ बिल्कुल जी, घर तक। अच्छा, जहाँ तक गाड़ी ये जा सकती है घर पे जाके लगा देंगे वहीं पर। हाँ। और वहीं अपना देंगे, जो भी है उनका क्वांटिटी बता दें हमें। हाँ। कि इतना चाहिए, जे इतनी चाहिए, जे इतनी चाहिए, जे चाहिए, तो वहाँ लगा देंगे हम लोग, बेचेंगे। तो मिनिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए? कम से कम 100 लोग तो हैं। कम से कम 100 लोगों का होना चाहिए तो पूरी वैन पहुँच जाएगी। क्या बात है भाई साहब। अंकल, आपका नाम? हरजिंदर सिंह। मेरा हरजिंदर सिंह जी। तो अंकल, हरजिंदर सिंह जी हैं जो काफ़ी दिनों से, तकरीबन कितने टाइम से कर रहे हैं आप ये? 6-7 महीने हो गए जी घर पे। तो दुकान हमारे कम से कम 10-12 साल से। 10-12 साल से खाने पीने का ही काम, खाने पीने का काम कर रहे हैं। 10-12 साल से खाने पीने का काम कर रहे हैं, मतलब खाने खिलाने का काम कर रहे हैं। और ये वैन इन्होंने कुछ महीने पहले तैयार की है। अब इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूँ, ये जो है कौन सा रोड कहलाता है? शबाद गेट। ये शबाद गेट वाला रास्ता है और सामने जो है हंगरी पॉइंट है, सामने जो है हंगरी पॉइंट है। ठीक है, ये शौकत अली रोड है, सामने हंगरी पॉइंट है। हंगरी पॉइंट के ठीक सामने जो है ये अंकल और आंटी का एक चलता फिरता रेस्टोरेंट यानी कि फूड वैन है, विक्की फूड वैन इसका नाम है। तो अब हम जो है आंटी के पास चलेंगे। आंटी, आज क्या खिला रही हैं आप हमें? राज की चौड़ी खिला रही हैं। तो बना के दिखाएंगी? हाँ, बहुत बढ़िया। पहले अपना नाम बता दीजिए आप हमारे। कमलजीत, कमलजीत कौर। कमलजीत कौर जी। तो कमलजीत कौर जी, आप कब से ही काम कर रही हैं? ये काम तो बहुत पुराना है मेरा, मगर जब ये कोरोना आया था तो काम चला नहीं घर पे। अब हमने गाड़ी वैन बनाई और बाहर भी गई हुई थी मैं, बाहर भी यही काम करते थे हम लोग। बाहर से देख के आए? बाहर से देख के आए फिर। अच्छा, तो अंकल बता रहे हैं आपके हाथ में बड़ा स्वाद है। हाँ, बहुत ज्यादा है, ऊपर वाले की कृपा है। तो कहाँ से सीखा आपने ये? यूट्यूब पे सीखा है। सब देख देख के सीखा है, यूट्यूब पे सीखा। स्वाद आ गया? हाँ, उसमें स्वाद आया। दिल से बनाया, दिल से बनाया, दिल से बनाया। क्या चाहती हैं आप?
यही चाहती हूँ, बढ़िया बिके, बढ़िया सब लोग आए, लोग आए और हाँ, तारीफ करें, तारीफ करें बस। कमलजीत कौर जी, ये कमलजीत कौर के हाथ का खाना है हमें। हाँ। क्या बात है। चलिए अब हम चलते हैं इस फूड वैन में और अंकल और आंटी का देखते हैं कि आंटी हमें क्या बना के खिलाएंगी। इधर से जो है मैं जो है दिखा दूँ थोड़ा सा, ये देखिए ये बहुत शानदार जो है बनाई हुई है और आंटी जो है देखिए यहाँ पर कर दिया। मैं चाहता हूँ थोड़ा करीब से जो है वो दिखाएं बनाते हुए। हाँ, ठीक है। और ये क्या आप फ्रूट्स डालते हैं इसमें? हाँ, फ्रूट पड़ते हैं इसमें। अच्छा, और ये बता क्या के बनाओ? हाँ 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 बता। ये दही भल्ला इसमें डाल दिया मैंने। हाँ। और ये छोले डाल दिए, व्हाइट वाले छोले पड़ गए और ये चाट मसाला पड़ गया, ये इसके अंदर ये जाएगा। ये क्या चटनी भी है? हाँ जी, हरी चटनी है, आम वाली। अच्छा, आम की चटनी है। आम की चटनी। हाँ, ये सेब जाएगा इसके अंदर, ये एप्पल। हाँ। क्या बात है भाई साहब। सेब जाएगा, अनार जाएगा, अनार के बाद ये केले जाएंगे। इसका नाम है राज कचौरी। राज कचौरी, बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई साहब, फ्रूट्स की भरमार कर दी, बारिश कर दी है फ्रूट्स की। कचौरी के ऊपर फ्रूट्स की बारिश कर दी है और उस वो राज कचौरी, मतलब ये राजा है सारी कचौरियों का। हाँ, क्या बात है। ये दही डाला आपने? हाँ, ये दही डाला। क्या बात है भाई साहब, देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है, ये जायका कैसा होगा अब ये वक्त बताएगा। बढ़िया होगा भैया, जायका बहुत शानदार होता है। तो भाई देखते हैं हम शानदार क्वालिटी है या नहीं है, ये तो अभी थोड़ी ही देर में पता चलेगा। जो खा के जाता है ना। हाँ। वो बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार आता है। क्या बात है भाई साहब। हाँ। आंटी ने ये दावा कर दिया है कि जो खा के जाता है वो बार बार आता है, वो बार बार आता है। ये आपने मसाला डाला क्या? हाँ जी। अच्छा, ये डाला है इस मसाले में क्या? चाट मसाला। चाट मसाला, ये भुजिया डाला, आलू का भुजिया। अच्छा, अच्छा। और ये अनार जाएंगे। अरे क्या बात है, अनारों का कलर थोड़ा ऐसा ही आजकल आ रहा है। हाँ, आजकल ऐसे आ रहा है अनार, ये हो गए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, खूबसूरती देखने में जबरदस्त तरीके से लग रही है। और ये तैयार हो गई? हाँ जी, तैयार। बहुत बढ़िया। तो भाई ये हमारी राज कचौरी तैयार हो गई है और आंटी से मैं जो है वो राज कचौरी ले रहा हूँ और इसका चम्मच मैं देती हूँ। भाई साहब चम्मच ले लीजिएगा। भाई साहब ये जबरदस्त राज कचौरी, और मैं अकेला तो खा भी नहीं पाऊंगा ये। हाँ, अकेला नहीं खा पाऊंगा। ठीक है, ये दो जन ही खाएंगे भाई साहब, दो लोग खाते हैं। कुल 70 रुपए की है ये राज कचौरी, ठीक है, और दो लोग खाते हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा करीब से जो है आपको दिखाई जाइए। देखिए देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, ऊपर से पूरे फ्रूट्स की बारिश की गई है और जिस तरह से ये बनाया गया है, और अब मैं इसका स्वाद भी लेकर दिखा दूँ आपको। और ये अंकल ऐसी तोड़ के खा लेंगे? बहुत बढ़िया। ये स्टील का चम्मच ले लो भाई साहब, कचौरी का बादशाह है ये। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसमें कुछ पुदीने का भी डाला क्या आपने? हाँ, पुदीना भी है। हाँ, पुदीना, आम, कच्चा आम। कच्चा आम भाई साहब, रिफ्रेशिंग है इस मौसम में, खासतौर पर जो गर्मी का मौसम है, इसके अंदर इस तरह की डिशेज आपको खानी चाहिए। जबरदस्त कचौरी है ये, राज कचौरी यानी कचौरियों का राजा है ये, और जिस तरह से ये बनाया गया है इतनी खूबसूरत डिश है। ठीक है, ये राजस्थान की है। राजस्थान की है, ठीक है। तो ये राजस्थान की भी है और राजा भी है भाई साहब, जबरदस्त है, बहुत अच्छी कचौरी है। बाकी में जो आपने मेहनत की है बहुत अच्छी रही, और इतना बढ़िया इसका स्वाद है मैं बता नहीं सकता। और इसको तोड़कर भाई साहब, हम लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट जाते हैं, जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्ट्रीट फूड है इस तरह से उसको हमें बढ़ावा देना है। बस इसी मुहिम के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और अंकल और आंटी हमें मिले, और ये पूरी वैन, मैं जाता हूँ पूरी वैन एक बार में आप देख लें दूर से, ये पूरी वैन इन्होंने बहुत बढ़िया सजाई है, और इस पर इन्होंने जो लिखा है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। खाओगे तो जानोगे, आप खाएंगे तो जानेंगे यहाँ पर है क्या। भाई साहब ज़बरदस्त दमदार डिशेज हैं, ज़बरदस्त दमदार स्वाद है, दमदार जायका है। अगर आप रामपुर में हैं, रामपुर के आसपास के हैं, रामपुर घूमने आए, एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए, इसका स्वाद लीजिए। आप रामपुर के स्वाद को देश और दुनिया तक पहुँचाइए।
रामपुर का जायका जब देश और दुनिया तक जाएगा, जो लोग घूमने आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, तो ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे। और वही हमारी मुहिम है, वही हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए। ये अंकल कितने की है? 70 रुपए की। पैसे हाँ है जो है खाने? जो है आप ले लीजिए। तो भाई ये 70 रुपए के साथ साथ में मैं और चीजों के रेट भी आपको बता दूं। राज कचौरी देखिए 70 रुपए की है, और दही भल्ले 40 रुपए के हैं, चाट पापड़ी 35 रुपए की है, बर्गर भाई साहब सिर्फ 25 रुपए का बर्गर है, आप इसको ट्राई कर लीजिए, कहीं पर भी 25 रुपए का शायद बर्गर आपको ना मिले, और अगर मिलेगा तो इनका स्वाद मैच कर लेना। बाकी सारी लिस्ट देख लीजिए। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनों में शेयर कीजिए, अपने खास लोगों में शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।